हाय एवरीवन, मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ इंडिया एनटीए यूजीसी नेट। रिसेंटली यूजीसी नेट ने अपने इस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया है दिसंबर 1 को। और ये एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम को क्लियर करके स्टूडेंट्स कॉलेज लेक्चर के लिए एज वेल एज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के ड्रीम्स देखते हैं। इन ड्रीम को पूरा करने के लिए स्टूडेंट को क्वालिफाई करना जरूरी होता है यूजीसी की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जेआरएफ एग्जाम। सो इस एग्जाम को क्लियर करने वाले आज हमारे साथ ऐसे ही एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है महाश्वेता चक्रवर्ती, जिन्होंने जून 2020 एग्जाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्लियर किया है। तो चलिए वेलकम करते हैं महाश्वेता का अपने शो में और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज थी उनकी और किस तरीके की प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशंस। सो हाय महाश्वेता, हेलो कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। सबसे पहले आपको आपके ग्रैंड सक्सेस पे। सो कैसा थैंक लग यू रहा है सर। आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद? बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए ट्राई करते हैं, सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मतलब आई वाज इन सेवेंथ हेवन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब। ओके बिलीव नहीं हुआ, मतलब जब ग्रेट। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो आपको कॉल किया था मैंने, सर ये मेरा रिजल्ट नहीं है शायद। फिर Yes, बहुत लोगों से चेक करवाया। I remember that call. आपने कॉल किया था, मैंने कहा था नहीं आपका ही होगा, एक बार फिर से देखना तो। तो ऐसा होता है जनरली, जैसे कि जब मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ था तो मैंने अपना रिजल्ट खुद खुद देखा भी नहीं था, मैंने किसी दूसरे से दिखाया था। होता है कई बार कि हम अपने सक्सेस को अचीव जब करते हैं तो हमें बिलीव नहीं होता है, तो ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा राइट? अच्छा, कुछ देर पहले ही पता चला आपसे कि 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एग्जाम क्लियर हुआ है, क्या हो गया है लाइफ में ना, क्या नया कुछ हो गया, और अभी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जनरल से फीलिंग आ रही है। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है किसी के साथ? सेलिब्रेशन तो चलते रहने चाहिए कुछ दिनों तक। एक्चुअली घर पे मेरी छोटी बहन की एग्जाम चल रही है एनुअल, तो उसके लिए मतलब माहौल बहुत शांत है। वो पढ़ाई करती है तो इसलिए इतना कुछ नहीं हुआ, घर पे भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। और पहले तो 2 दिन बहुत कॉल्स आने लगे फ्रेंड्स का या रिलेटिव्स का, फिर धीरे धीरे वो भी मतलब चुप बैठ गए कि हो गया है। अब लग रहा है कि कुछ बड़ा कुछ तो नहीं किया, बोरिंग सी लग रही है, क्लासेस भी नहीं है, क्या करे अब नया कुछ, ऐसा लग रहा है। अच्छा, मतलब अभी तक मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया, आप उसमें से पहले ऐसे हो जो कह रहे हैं कि आफ्टर एग्जामिनेशन लाइफ इज गेटिंग बोर्ड। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आप या तो कुछ ऐसी चीजें छुपा रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है साथ में आपके, बट आप कुछ बताना नहीं चाह रहे हो राइट? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पे PhD एडमिशन हो जाए तो मतलब वो उस काम का हो जाएगा JRF, अब तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ऐसा। ओके ओके दैट्स गुड। सो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी एग्जाम्स चुकी हुए, रिजल्ट्स आ गए, तो फाइनली हमारा जो मेन टारगेट है, द अल्टीमेट गोल, दैट इज योर PhD एडमिशन एंड फाइनली योर क्वालिफाइंग द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। सो एनीवेज महाश्वेता, हम जानना चाहेंगे, अच्छा आपका नाम महाश्वेता है तो इस नाम की मीनिंग क्या क्या है, आप बताना चाहोगे लर्नर्स को? मैं बहुत क्यूरियस हूँ। गॉडेश सरस्वती है तो उनके एक नाम है महाश्वेता, तो मेरी नाम का मीनिंग है सरस्वती माता। सरस्वती नाम का मतलब ही सरस्वती है, तो जेआरएफ कैसे नहीं होगा, तो इसीलिए तो हुआ जेआरएफ भी। ओहो, नाम में ही राज छुपा हुआ है, अब समझ में आया। ओके ओके ओके। सो श्वेता, मैं आपको भी श्वेता ही बुलाऊंगा, ठीक है? थोड़ा बड़ा नाम हो जा रहा है मेरे लिए थोड़ा सा। तो श्वेता, आप बताना चाहेंगे हमारे लर्नर्स को कि आपने कब और कैसे इस एग्जाम के बारे में जाना, एंड आपने कब इस एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, किस तरीके से? तो जब मैं मास्टर्स पे थी तो फर्स्ट जो अटेम्प्ट था मेरा, तो मैंने वो स्किप कर दी थी, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा कि मुझे पता भी नहीं था कि JRF क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, PhD वगैरह के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो मैंने पहला अटेम्प्ट का पेपर ही नहीं भरा, मतलब फॉर्म भी नहीं फिल किया। तो उसके बाद जब
वो पेपर मुझे हाथ पे आया, ऑफलाइन एग्जाम था तब तब मुझे पता चला कि अरे एग्जाम तो इजी होता है। तब उसके बाद जब मैं फॉर्म फिलअप किया तो तब मेरे पास सिलेबस भी नहीं था, मैंने इतना कुछ पढ़ के भी नहीं गई थी तो सिलेबस नहीं था। एग्जाम देने के टाइम पे, एग्जाम हॉल पे मुझे पता चला कि एग्जाम इजी होता है, क्योंकि जियोग्राफी मेरा उस टाइम पे बहुत अच्छा गया था। मतलब तब मेरा 66 मार्क्स था फर्स्ट अटेम्प्ट पे, पर पेपर वन 25% में अटेम्प्ट करके आई थी, बाकी सब छोड़ के आई थी। क्योंकि मतलब टीचिंग रिसर्च कुछ पता भी नहीं था, इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी था, मैं सिर्फ मैथ्स और डीआई एंड इंग्लिश करके चली आई थी। तो उस अटेम्प्ट पे मेरा नेट 2% से रुक गया था, नेट रुका था। तो तब मुझे लगा कि बिना पढ़ के इतना हो रहा है तो पढ़ के तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर बाकी 2 अटेम्प्ट भी मैं ऐसे ही दे दिया, तब भी सिलेबस नहीं था, तब सेमेस्टर पे बहुत फोकस्ड थी मैं, क्योंकि मेरा कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का मार्क्स बहुत अच्छा है, तो मैं सब सिर्फ कॉलेज का पढ़ाई करती थी, बाकी कुछ नहीं पढ़ती थी। तो जब मास्टर्स खत्म हो गया तब मुझे लगा कि मेरी प्रोफेसर्स भी कही कि आपका तो एकेडमिक्स बहुत अच्छा है तो आपको रिसर्च पे जाना चाहिए। तब मुझे लगा कि हाँ एक ट्राई कर सकते हैं कि एग्जाम देके, क्योंकि एग्जाम इतना टफ तो नहीं आता है। तो तब जब पढ़ाई स्टार्ट की तब मुझे लगा कि एग्जाम इतना इजी भी नहीं है कि जेआरएफ हो जाए। जब सिलेबस देखा मैंने, जब सिलेबस का डिटेल्ड पार्ट देखा, तब मुझे लगा कि बिना पढ़ के नेट नेट भी नहीं हो सकता है, जेआरएफ तो दूर की बात, और अगर रिसर्च करना है तो जेआरएफ लेके ही करना है। तो पहला वाला कट ऑफ देखा तो मैंने देखा कि 69% कट ऑफ गया है लास्ट टाइम का, तो उसके पहले का 68% था। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर जेआरएफ मिलना है तो आपको 70% के अबव रखना है, तो आप सेफ जोन में रहोगे। तो तब मैंने जम के पढ़ाई की, पढ़ाई स्टार्ट की मैंने 2020 के जनवरी से, मैंने सीरियस अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट की पढ़ाई। तो सीरियस अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई तो कैसे शुरू किया फिर? सीरियस अटेम्प्ट मतलब ये सोचा कि अब यहीं से शुरू करना है भाई, अब कैजुअल नहीं, अब तो पढ़ाई बहुत ही ध्यान से, है ना? कैसे कैसे शुरू किया? दिसंबर 19 में जब मैं एग्जाम दी थी तब नेट हो गया था, तब मैं जियोग्राफी के लिए कुछ पढ़ी नहीं थी, वो सिर्फ मास्टर्स का जो नोट्स था वहीं से पढ़ी, और पेपर वन के लिए मैंने मेहनत की खुद से, और खुद नोट्स बना के मैंने पढ़ाई की, तो नेट निकल गया था। तब मुझे लगा कि नेट से तो काम होने नहीं वाला है, तो जेआरएफ करना ही है। तो जनवरी में जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया तब ऐसा लगा कि अगर एक गाइड होता, एक गाइडलाइन होता, तो जेआरएफ के जर्नी थोड़ा आसान होता। ऐसा नहीं कि खुद नहीं होता है, खुद भी होता है, पर एक गाइड होता तो अच्छा होता। तब मुझे आपके प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, तो मैं थोड़ा ऑनलाइन के मतलब बारे में इतना पता नहीं था, तो जस्ट मैंने वो थोड़ा स्पेशल क्लासेस देखी, तो उससे मुझे लगा कि हाँ ये गाइड हो सकता है जो मुझे जेआरएफ तक लेके जाए। तो तब मैंने अनअकैडमी से पढ़ाई स्टार्ट की, तो फेब्रुआरी से लेके जून तक मेरा सारा सिलेबस खत्म हो चुका था जियोग्राफी का और पेपर वन का। तो क्योंकि एग्जाम मैंने सोचा था कि जून पे ना हो तो अगस्त सितंबर पे तो होगा ही, तो मेरा कोर्स पूरा जून के अंदर अंदर खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू किया। तो फाइनली मतलब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म ने आपके इस एग्जाम के प्रिपरेशन में काफी हेल्प की। तो महाश्वेता, अभी प्रिपरेशन की तो बात हो ही रही है, आप मुझे ये बताओ कि जब आपको पता चला कि आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो दिमाग में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया कि मतलब ऐसे लोग जो इस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उनके साथ आपका कंपटीशन होगा? कई बार होता है स्टूडेंट ये सोचते हैं, वो ये सोचते हैं, दिमाग में बात आती है, अरे ये लोग तो पहले से तैयारी कर रहे हैं, इनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा, ये वाली बात आती है स्टूडेंट्स के माइंड में किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले। क्या आपने भी यही फेस किया हाँ सर, था? जब जिस दिन मैं एग्जाम, इस बार का एग्जाम देने गया, मैं जब क्वेश्चन पहली बार देखा तो मुझे लगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने मतलब इतना प्रिपेयर करके नहीं आई, जिस टाइप का मैंने पढ़ा था ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन। तो तब मुझे लगा कि सिर्फ 100 जनरल को जेआरएफ मिलती है, तो अगर मुझसे बेहतर 100 लोग और भी है तो मुझे तो नहीं मिलने वाला।
तो थ्रू आउट द जर्नी मुझे ये हर दम लगा कि मुझे उस टॉप कैटेगरी पे आना है, जो टॉप कैटेगरी हमेशा 100 के अंदर रहता है और उनका पढ़ाई का तरीका ही कुछ अलग होता है. तो मैंने हर टाइम पे मेरा लूप होल्स ढूंढे, मेरे वीक पॉइंट्स ढूंढे कि कहाँ कहाँ से हम मैं खुद को और भी बेहतर कर सकती हूँ. तो इस तरह कैसे हमेशा मेरे माइंड में ये चलता था कि टॉप 100 पे आना है, कट ऑफ से नहीं रुकना है, मुझे टॉप करना है, ऐसा सोच के ही मैंने पढ़ाई की थी. तो इस टाइप के जो मेंटेलिटी होती है स्टूडेंट्स के, कई बार वो ये सोच करके एग्जाम को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे आपने इन प्रॉब्लम्स को आपने ओवरकम किया कि एग्जाम यही आपको क्रैक करना है, इसी एग्जाम को ही क्वालिफाई करना है एट एनी कॉस्ट? सर, मेरे प्लान ए और प्लान बी तय था. तो मेरा प्लान ए था JRF, और अगर प्लान ए काम नहीं करता है तो मैंने सोचा था कि सिविल सर्विस पे जाना है, पर सिविल सर्विस तो इससे भी ज़्यादा टफ है. तो अगर मैं प्लान ए ही नहीं कर पाती हूँ तो प्लान बी पे मुझे यही लगेगा कि इतना इजी एग्ज़ाम था, वो नहीं कर पाई तो सिविल सर्विस कैसे करूँगी. सही तो बात। इसलिए मुझे लगा था कि प्लान ए को फोकस्ड करके 100% देके ट्राई करके देखना है कि होता है या नहीं. अगर मतलब 1% से भी रह जाता है तो मुझे डाउट होगा कि ये मेरा 100% नहीं था, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम खुद की 100% दे और सिलेक्शन रुक जाए. तो ऐसा मेरा था कि प्लान ए पे मैं 1 साल पूरे दम लगा के पढ़ाई करूंगी, 100% देने के बाद अगर नहीं होता है तो. मेरे घर वाले भी सपोर्टिव थे तो मैंने मुझे बोला भी था कि अगर नहीं होता है तो ठीक है, प्लान बी पे चले जाना. महाश्वेता, फैमिली को यहाँ पर कैसे देखते हो, फैमिली सपोर्ट को आप कैसे देखते हो? अगर कोई स्टूडेंट इस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या फैमिली सपोर्ट इतना होना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाए? यस सर, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है ना, तो जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था वो फेल्ड अटेम्प्ट था. तो फैमिली का सपोर्ट है इसलिए ही मैंने और कई बार भी फॉर्म फिलअप करने की हिम्मत जताई. क्योंकि अगर फैमिली ने ही बोल दिया कि आगे अरे इतने बार दे दिया नहीं हो रहा है तो नहीं होगा छोड़ दो, तो ऐसा कभी भी नहीं बोला. तो हमेशा मुझे यही बोला कि जम के पढ़ाई करो, हो जाएगा. तो इसलिए फैमिली का तो बहुत सपोर्ट रहा सर. डेफिनेटली स्टूडेंट्स के करियर में, उनके फेल में, उनके सक्सेस में पेरेंट्स का रोल तो बहुत ज्यादा होता ही है। अच्छा, तो पेरेंट्स की बात करें तो आप किसके ज्यादा क्लोज हो, मदर के या फिर फादर के? मम्मी की. मम्मी की। सारे सीक्रेट शेयर करते हो आप उनसे? हाँ, सारे सीक्रेट, कुछ भी नहीं छुपाते? नहीं सर, छुपती ही नहीं है, मम्मी को हर कुछ पता है. छुपाना चाहूंगी तो फिर भी उसको पता ही चल जाएगा. पता चल जाएगा। बट बच्चे, मतलब जो बच्चे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जहां तक बात छुपा सके छुपा लेते हैं, पता तो चल ही जाएगा एक ना एक दिन, छुपाने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, वो जब मैं छोटी थी तब से ही मैं बहुत क्लोज थी मम्मी की. तो काफी बार ऐसा हुआ था कि मैं स्कूल पे कुछ छुपाने की सोचती थी तो मेरी कोई दोस्त आके घर पे बोल देती थी कि अरे इसके साथ तो ये हुआ है. तो तब मैंने देखा था कि मम्मी बहुत नाराज हो जाती थी कि तुम खुद क्यों नहीं बताई खुद क्यों मुझे. नहीं बताया? हाँ, तब तब से मुझे लगा कि कुछ है तो बता दूं मम्मी को खुद से ही, तो उसको ये तो नहीं लगेगा कि बाद में किसी और से पता लग रहा है. नहीं, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका फैमिली सपोर्ट नहीं होता है। कई बार होता भी है सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट भी दो तरीके के होते हैं, जब पेरेंट्स आपके साथ हर एक सिचुएशन में आपके साथ खड़े रहे। कई बार ऐसा होता है बच्चे सिर्फ प्रोफेशनल चीजों को ही शेयर करते हैं लाइफ के, ओनली प्रोफेशनल्स। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई चीज, कोई भी बात छुपा के रखते हो, पेरेंट्स को नहीं बताते हो, तो ना दिमाग में एक, आपके माइंड में एक ऐसा कॉर्नर बनता जाता है जो आपको परेशान ही करेगा। अरे मम्मी को पता चल जाए, पापा को पता चल जाए तो क्या होगा? तो हमेशा स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपनी सारी फीलिंग्स, जो भी फैमिली मेंबर्स आपके बहुत क्लोज है, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस और ये मेरा ये सजेशन भी है सारे स्टूडेंट्स को, कि कोई भी बात छुपा करके मत रखिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके स्टडी के ऊपर पड़ता है। बार बार आपके दिमाग में वो बात आती रहेगी और आप परेशान रहोगे, फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा।
महाश्वेता, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपने कहा कि 1 ईयर का टाइम, क्या 1 ईयर का टाइम सफिशियंट होगा अकॉर्डिंग टू यू? अगर मास्टर्स पे कोई अच्छे से पढ़ाई की है अपने सिलेबस को, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक एक साल भी नहीं लगेगा, 6 महीने पे भी क्लियर हो सकता है ये एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट तो मास्टर्स करते करते एग्जाम क्लियर करते हैं, तो अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो एग्जाम मास्टर्स करते करते भी क्लियर हो सकता है। इस बार हमारे क्लास से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ग्रेजुएशन मास्टर्स में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, एंड दे क्वालिफाइड JRF। तो बड़ा अचीवमेंट है माशाल्लाह। मास्टर्स में रहते ही क्वालिफाई करना। लेकिन उसके लिए जहां तक मुझे लगता है ना कि आपके ग्रेजुएशन का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी अलग है और आपके मास्टर्स में वो ज्योग्राफी थोड़ी सी अलग हो जाती है, और उसके बाद आप जब नेट में आते हो यहाँ पर पूरा एक कंप्लीट अलग ही डिफरेंट सिलेबस आपको देखने को मिलता है। तो इस सिचुएशन में प्रीवियस आपका नॉलेज जो है एग्जिस्टिंग नॉलेज वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी इमारत बना पाएंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो महाश्वेता, स्टडी मटेरियल्स क्या थे आपके? ऐसा कौन सा बुक आपने पढ़ लिया जिससे कि आपका JRF हो गया, क्या था? कई बार, सॉरी, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर प्लीज एक बुक बताओ ना कि सर जिससे JRF क्लियर हो जाए, तो आप मुझे बताइए वो एक बुक जो आपने पढ़ा और आपका JRF क्लियर हो गया। सर एक बुक तो वो मिथ है, एक बुक तो कभी भी नहीं मिल सकती है ऐसा। नहीं मिल सकती। तो मैं तो पहले सिलेबस देख के जो जो पार्ट मेरा मास्टर्स पे था वो उससे पढ़ाई कर ली थी, और ऑनलाइन पे अनअकैडमी पे जो भी मटेरियल मुझे मिलता था मैं सारा कुछ वो पुराने नोट्स से कंबाइन करके एक मतलब एक जिस्ट बना के पढ़ती थी। तो उससे मेरा हो गया मतलब पढ़ाई, और जहाँ पे भी पढ़ाई होता था या यूट्यूब पे या जहाँ पे भी जो भी सोर्स मिलता था, अगर मुझे वो चाहिए, वो मेरा वीक पॉइंट है, तो मैं उससे पढ़ लेती थी। ऐसा नहीं सोचती थी कि अरे PDF लेके रख देती हूँ, जमा करके रख देती हूँ, बाद में पढ़ूंगी, ऐसा मैं नहीं सोचती थी। स्टॉकर्स हाँ सर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशल क्लास पे भी आते हैं और बोलते हैं कि PDF सर सर PDF चाहिए, पर PDF लेके कुछ टाइप। होता मुझे नहीं है। याद है हमारी क्लासेस चलती रहती थी, हम लोग भी क्लासेस वही लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन में हम लोगों ने काफी अच्छा तैयार किया था, पढ़ाई काफी अच्छी हुई थी, काफी हार्ड वर्किंग किया था, तो उसी क्लास में आते थे स्टूडेंट्स, बोलते थे सर 1 महीने में पूरा पढ़ा दीजिए, 1 महीने में सारा कवर कर दीजिए, सर पूरा PDF दे दीजिए, PDF लेके चले जाना। PDF रखना अलग चीज है, PDF को पढ़ना समझना अलग चीज है, जो आप जो क्लास में आपको लाइव क्लास में मिलता है वो शायद PDF में उतना डिटेल आपको ना समझ में आए, क्योंकि जैसा आपने कहा शुरू में ही कि हमेशा हमें एक गाइड की जरूरत पड़ती है, हमेशा, चाहे वो टीचर हो या फैमिली से हो, कोई भी, एक गाइड की जरूरत पड़ती है जो आपको एक राइट डायरेक्शन दिखा सके। तो पेपर 1 का क्या स्ट्रेटजी था आपका महाश्वेता? पेपर 1 को कैसे आपने तैयार किया? सर 2019 के दिसंबर तक मैंने पेपर 1 सारा कुछ पढ़ ली थी, खुद से ही सारा कुछ मेरा तैयार था पेपर 1 का। तो इस बार जो अटेम्प्ट दी थी मैंने, पेपर 1 का सिर्फ MCQ प्रैक्टिस की थी, मैं कुछ डिटेल्ड वाला थियोरी इतना कुछ नहीं पढ़ी, सिर्फ प्रैक्टिस की थी, मॉक टेस्ट दी थी, उससे मेरा काम हो गया था। पेपर 1 मेरा तैयार ही था 2019 तक। तो कैसे आपने प्रिपेयर किया, मीन्स सोर्सेस वगैरह, और आपकी स्ट्रेटजी क्या थी पेपर 1 को समझने की, पेपर 1 के टॉपिक्स को जानने की? सर मैथ्स वाला पोर्शन मेरा स्ट्रांग ही था, तो मैथ्स वाला पोर्शन मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई। DI भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने सॉल्व कर ली थी, RC हो गई थी, और बाकी जो नया टॉपिक था इंडियन लॉजिक वाला, कम्युनिकेशन वाला, रिसर्च वाला, वो मैंने खुद खुद एक टॉपिक ढूंढ के पढ़ के उसको क्लियर की थी। ऐसा नहीं कि कुछ बुक ऐसा मैंने फिक्स फॉलो किया था, ऑनलाइन सोर्स से मैंने पढ़ ली थी। सारा ऑनलाइन सोर्स से पढ़ लिया था। सर ओके, तो पेपर 1 में क्या सेक्शन आपको ऐसा लगा जो एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा यूनिट जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? हायर एजुकेशन मुझे बहुत टफ लगता था, अभी भी लगता है हायर एजुकेशन, क्योंकि उसका क्वेश्चन इतना डायनामिक आता है, कभी कभी पुराने वाला बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी इतना न्यू वाला पूछता है कि मतलब पता भी नहीं है उस स्कीम के बारे में।
तो हायर एडुकेशन मुझे बहुत तकलीफ देता था, अभी भी देता है। मतलब इस एग्जाम पे भी मुझे डर था कि हायर एडुकेशन से क्या आ जाएगा। तो जो आपके JRF में कहीं ना कहीं एक हर्डल था ये हायर एजुकेशन का जो सेक्शन है। वैसे हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो उच्च शिक्षा की जो भी इंडिया में हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पास्ट में इवेंट्स थे, जो भी प्रेजेंट में हो रहे हैं या फ्यूचर में होने जा रहे हैं, तो ये पास्ट वाला तो स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, वो तो कवर कर लेते हैं, बुक्स में होता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है पढ़ने को। प्रेजेंट वाला भी प्रेजेंट डे से देख लेते हैं कई बार, लेकिन वो चीज बहुत मतलब सिस्टमेटिकली रेडी नहीं हो पाती है। एक तो कुछ भी पता नहीं होता कि क्या चेंज हो रहा है, और उसको एक तरीके से हम करंट अफेयर्स में रख सकते हैं। कई बार स्कीम्स पूछ लेता है, कई बार यूनिवर्सिटीज वगैरह के बारे में पूछ लेता है, तो आपको भी इस सेक्शन ने काफी परेशान किया। इसके अलावा आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा था पेपर वन का? मैथ्स एंड DI RC ये मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो उससे 25 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। तो मुझे ऐसा था कि 25 क्वेश्चंस तो सही होगा ही, एक भी गलत नहीं होगा, बाकी से हो जाएगा। एक्चुअली इस पे 3 यूनिट हैं, एक है लॉजिकल यूनिट, एक मैथमेटिकल रीजनिंग है, और तीसरा है आपका DI का सेक्शन। तो बेसिकली अब क्या है, डिवाइड हो चुका है, तो अब इसमें 15 to 20 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स बन जाते हैं। अच्छा है, तो अच्छा कौन सा ऐसा यूनिट हो सकता है स्टूडेंट्स को जिसको प्रिपेयर करने में उन्हें काफी प्रॉब्लम हो सकती है आफ्टर बिसाइड्स योर हायर एजुकेशन? मुझे लगता है जिन लोगों का जियोग्राफी का बैकग्राउंड है उन लोगों का तो पीपल एंड एनवायरनमेंट इजी लगेगा उनको, पर जिन लोगों का जियोग्राफी का बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों का पीपल एंड एनवायरनमेंट बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वहां पे भी डायनामिक क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है, वो एक प्रॉब्लम का एरिया है। और काफी लोगों का मैंने सुना है कि रिसर्च से प्रॉब्लम होता है, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर रिसर्च से भी बहुत लोगों का दिक्कत होता है। तो पेपर वन की बात तो हो गई, अब चलते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ, ज्योग्राफी की तरफ। तो हाँ जी, बताइए ज्योग्राफी के क्या सोर्सेज आपने यूज किए, कैसे तैयारी की? जियोग्राफी के लिए मैंने पहले बुक से पढ़ना, बुक से नहीं, खुद का जो मास्टर्स का नोट्स था वहां से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैंने वो नोट्स बुक से ही बनाए थे पहले, तो खुद का नोट्स NCERTs जो 11th 12th का था उससे, और अनअकैडमी पे जो सोर्स मुझे मिला था वो सारा खुद से मेरा कवर मैंने कवर किया था, उससे हो गया था मेरा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 2004 से लेके 2019 तक सारा कर लिया था। तो ज्योग्राफी के 10 यूनिट्स में से ऐसा कौन सा यूनिट था अकॉर्डिंग टू यू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी? मेरे लिए पहले, अब तो कोई भी यूनिट ऐसा नहीं है कि मुझे टफ लगता है, अब तो मतलब ऐसा होता है कि एक एक्साइटमेंट होता है कि हाँ सब क्वेश्चन मुझे आता है, पर पहले जब इतना कुछ जानकारी नहीं था तब इंडियन जियोग्राफी मुझे बहुत टफ लगता था, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और इंडियन जियोग्राफी मुझे थोड़ा इतना फैक्ट्स और पूछता है इसलिए टफ लगता था। तो फैक्ट से महाश्वेता को डर लगता है। इतना मतलब रटना पड़ता है ना उसका डेटा और सारा कुछ, वो टफ लगता था मुझे। जैसे कि सेंसस, हाँ सर। सेंसस एक ऐसा सेक्शन है जो जनरली लोगों को याद नहीं हो पाता, मतलब मेमोराइज करना थोड़ा टफ हो जाता है। खैर, हाँ सर। उसके भी टेक्निक्स हम लोगों ने डेवलप किए थे। तो हाँ, पेपर टू में 2 सेक्शन स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू मी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं उसके ऊपर। पहला ये कि सर ज्योग्राफिकल थॉट के ऊपर, भौगोलिक चिंतन के ऊपर, वो एक सेक्शन ऐसा है जिसमें ज्योग्राफी की पूरी हिस्ट्री है। हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी है पूरा। तो उस ज्योग्राफी को हिस्टोरिकली तैयार करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स वगैरह पूछे जाते हैं, राइटर्स के बारे में पूछे जाते हैं, बुक्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये सब आपके लिए क्या चैलेंजिंग नहीं था, कैसे तैयार किया आपने? सर जियोग्राफिकल थॉट जब मैं ग्रेजुएशन पे थी और मास्टर्स पे थी दोनों बार ही था, तो मैंने क्लास पे जब कॉलेज पे थी और यूनिवर्सिटी पे थी तब मैंने क्लास पे ही इतना नोट्स बना लिया था कि थॉट से मुझे डर नहीं लगता था। मतलब सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है थॉट से, पर मैंने दो बुक मेनली फॉलो किया था, माजिद होसेन और सुदीप्त अधिकारी, तो उससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो थॉट से मुझे इतना डर नहीं लगा। और ग्रीक रोमन अरब का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो भी मुझे मतलब ग्रेजुएशन से ही पता था।
ओके okay. अच्छा एक एक सेक्शन ज्योग्राफी में है जो जनरली मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक मिस्ट्री रहता है. ऐसा भी कह सकते हैं कि आफ्टर रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ एनटीए यूजीसी नेट जनवरी 2019 की बात, एक ऐसा सेक्शन जिसमें ज्योग्राफी में कई सारे मॉडल्स हैं, कई सारे मॉडल्स, कई सारे कॉन्सेप्ट्स. तो स्टूडेंट्स को मतलब इसको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है. तो जो मॉडल्स थे उन सारे मॉडल्स के लिए आपने क्या सोर्सेज यूज किए, कैसे आपने उनको तैयार किया? ओके सो मॉडल्स के लिए अगर मॉडल्स को ध्यान से देखें तो बहुत सारे मॉडल्स हमारे प्रीवियसली मतलब पढ़ा हुआ मॉडल्स होते हैं जो कॉलेज पे पढ़ते हैं हम, तो उसको छोड़ के जो नया एडिशन वाला जो है नोट्स वो मुझे आपका वो ई बुक से मिल गया था, तो उससे मेरा मॉडल एक जीस्ट ऐसा एक बुक था जिससे मैं पढ़ ली थी। और अगर किसी को नहीं मिलता है तो सेपरेट सेपरेट ढूंढने से भी मिलता है, पर वो टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि सेटलमेंट ज्योग्राफी वगैरह में, पॉपुलेशन ज्योग्राफी वगैरह में जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बुक्स वगैरह में मिलने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, हाँ हाँ सर, वो कन्वेंशनल बुक पे तो नहीं मिलता है। नहीं मिल पाएंगे. हाँ मुश्किल हो जाता है. तो यूनिट 10 के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? यूनिट 10 ज्योग्राफिकल टेक्निक, सॉरी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मैं यूनिट 9 की बात कर रहा हूँ ज्योग्राफिकल टेक्निक की, जिसमें कि बेसिकली ये प्रीवियसली हमारा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी था. How you prepared this section and what difficulties you faced? सर वो उस पे भी दो पार्ट है, एक है रिमोट सेंसिंग जीआईएस वाला और एक है प्रैक्टिकल का वो टेक्निक वाला। तो उस पे जो सेकंड पार्ट था उससे हम सारे कुछ प्रैक्टिकल तो कर लिए थे कॉलेज पे ही, तो उसका फॉर्मूला वगैरह तो याद था, उसका ऑब्जेक्टिव्स भी मुझे पता था, पर वो जो रिमोट सेंसिंग जीआईएस वाला पार्ट है उसका भी मैंने पढ़ा था बेसिक वाला कॉलेज पे यूनिवर्सिटी पे, पर मुझे डिटेल्ड जो पूछता है एग्जाम पे वो तो नहीं पता था, तो मैंने अनअकैडमी से वो उसको मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया उसको पढ़ के बार बार पढ़ के, और जहां पे भी सोर्स मिला मुझे मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि उसका कोई बुक नहीं था मेरे पास, तो ये एक प्रॉब्लम था तो मैंने रीजन ये भी है पढ़ कि ये लिया था। सारे न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं यूनिट 9 में, बहुत सारा न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, और ये न्यू टॉपिक्स को आप किसी एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए. तो इसीलिए मैंने ऐसे कोर्सेज बनाए थे अकेडमी पे जो बहुत ही मतलब इन टॉपिक्स को अलग से ही कोर्सेज ही बना दिए थे इसके लिए, जिसमें कि आपको काफी बेहतर तरीके से चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जाता है. तो अच्छा रहा, इसमें काफी स्टूडेंट्स ने इसको काफी प्रेस किया है कि ये सेक्शन काफी इम्पोर्टेंट भी है, स्पेशली मॉडल्स वगैरह भी. तो माश्वेता, ऑफ द बीट बात, पढ़ाई के अलावा क्या पसंद है आपको? पसंद इन द सेंस कैसे पसंद सर? पसंद इन द सेंस योर हॉबीज, योर पैशन, एनीथिंग? ओके तो हॉबी अगर बोले तो स्कूल पे मैं जब थी तब स्टोरी बुक्स पढ़ना या नॉवेल्स पढ़ना बहुत मतलब अच्छा लगता था, पर अब तो फोन आ गया गर्ल्स का है फेवरेट नॉवेल सेक्शन का, नॉवेल्स, बुक्स, गर्ल्स का फेवरेट सेक्शन. तो ओके अब तो नॉवेल इतना मैं नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि फोन आ गया है, तो बहुत डिस्ट्रक्शन होता है नॉवेल पढ़ते पढ़ते फोन पे। तो अब मेरा एक नया हॉबी स्टार्ट हुआ है वो है कैलीग्राफी, तो जब मैं लॉकडाउन पीरियड पे जब भी मैं बोर फील करती थी तो मैं कैलीग्राफी या थोड़ा वो स्केचिंग के लिए मैं बैठ जाती थी कॉपी पेन लेके, तो ये एक हॉबी है मेरा कैलीग्राफी। तो अब वेस्ट बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल में एक कल्चर है सिंगिंग का, डांसिंग का, इन सब से आप दूर हो क्या? मतलब ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, एक कल्चर है वहां. डांसिंग की मैं अगर बात करूं तो मैं क्लास 10th 10th तक मैंने डांस किया था, वो ओडिसी डांस है तो मैं वो करती थी, पर उसके बाद मेरे मुझे टाइम नहीं मिला 11th 12th पे। और सिंगिंग मेरे घर पे मम्मी और बहन तो बहुत अच्छी मतलब गाती है कि वो प्रैक्टिस भी करती है, पर मुझे वो याद ही नहीं होता वो नोटेशंस, तो इसलिए मैं कभी नहीं गई, दूर भागी मैं गाना से। अच्छा ओके 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 ऑलराइट. तो महाश्वेता, अभी हम लोग आ गए हैं अपने इस डिस्कशन के लास्ट पॉइंट पे, लास्ट स्टेज पे. इन सारी चीजों के ऊपर आपके प्रिपरेशन में आपके जो भी स्ट्रेटजीज थी, इन सबको हम लोग ने देखा.
एक ऐसा आपकी तरफ से नोट, एक ऐसा मैं कहना चाहूंगा कि अपने स्टूडेंट्स के लिए जो अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ से पूछना चाहूंगा। बीइंग अ टॉपर, आप अब इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, आपने मोर देन आपका 75% आया, जो एक बड़ा अचीवमेंट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। स्टूडेंट्स पूछते हैं बार बार कि सर नेट तो हो गया, नेट क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अब जो हमारे किसी का JRF 1% से, किसी का JRF 2% से, 3% से रुक गया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे कि स्टूडेंट्स किस तरीके से तैयार करें, किस क्या स्ट्रेटजी वो अभी से लेकर के चलें ताकि नेक्स्ट एग्जाम में वो बेहतर परफॉर्म कर पाए। सर, जो जो स्टूडेंट का 1-2% से या 3% से ऐसे रुक रहा है, उन लोगों का जरूर कोई ना कोई वीक पॉइंट रहेगा जो वो इग्नोर करके एग्जाम देने जाते हैं, तो उनको भी पता है वो, और उससे ही क्वेश्चन आया था इस बार, इसलिए उन लोगों का सिलेक्शन रुका है। तो खुद को पहले वीक पॉइंट्स ढूंढना पड़ेगा और उसको स्ट्रांग पॉइंट बनाना पड़ेगा। मैंने तो एक खुद का लिस्ट बना लिया था इस लॉकडाउन पे कि मेरा वीक पॉइंट क्या क्या है। मैंने सर सारा कुछ पढ़ के उसको स्ट्रांग बना लिया था, तो एग्जाम देने पे भी मजा आता था। मॉक टेस्ट पे भी मेरा मतलब मार्क्स हर वक्त 75% के अबव ही रहता था। तो खुद का अगर वीक पॉइंट्स वो ढूंढ के अगर स्ट्रांग बना ले तो कोई नहीं रोक सकता है। मतलब वो स्ट्रांग पॉइंट पे तो काम करेगा ही, पर वीक पॉइंट को ढूंढना बहुत जरूरी है कि किसके लिए सिलेक्शन रुक रहा है। किसी का पेपर 1 बहुत वीक होता है, तो पेपर 1 को प्रैक्टिस करना चाहिए बहुत। डेफिनेटली डेफिनेटली हमें दोनों पेपर के बीच में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, क्योंकि बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप पेपर 2 पढ़ोगे, पेपर 1 छोड़ दोगे, तो एक में मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, एक में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो अगेन वही प्रॉब्लम, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस बना करके चलना है। महाश्वेता की तरफ से ये एक अच्छा एडवाइस था सभी के लिए। तो थैंक यू सो मच महाश्वेता चक्रवर्ती, आपका इस शो में आने के लिए, अपनी इतनी इम्पोर्टेंट टाइम में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकालने के लिए भी, और इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए, और स्पेशली आपकी कैलीग्राफी को बताने के लिए। कभी मौका मिलेगा तो कैलीग्राफी के आपके कुछ अच्छे जो प्रेजेंटेशन में देखा जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड फ्यूचर अहेड। आप लाइफ में बहुत अच्छा करो, आगे जल्दी से जल्दी आपको सिलेक्शन मिले PhD में और असिस्टेंट प्रोफेसर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमारे थैंक स्टूडेंट। यू सर, थैंक यू सर।